एक तो ये प्रसन्नता का और गर्व का विषय है कि हमारे वैज्ञानिक प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए वैक्सीन जल्दी आ जाए और बहुत जल्दी आने की संभावना है। ह्यूमन ट्रायल भी शुरू हो गए। आज बैठक में हमने इस पर विचार किया कि वैक्सीन आने पर कैसे टीकाकरण का काम तेजी से किया जाए, उसकी हमने व्यवस्थाएं बनाई है। मध्य प्रदेश भी पूरी तैयारी कर रहा है। कोल्ड चैन, उसके साथ साथ टीकाकरण के लिए आवश्यक सभी व्यवस्थाएं, प्रशिक्षण, इसकी तैयारी हमने कर ली है। एक राज्य स्तरीय समिति बनाई गई है मुख्य सचिव की अध्यक्षता में। जिले में भी हम टास्क फोर्स बना रहे हैं और ब्लॉक की टास्क फोर्स भी बनाई जाएगी। प्रशिक्षण देने का काम भी लगातार चल रहा है ताकि वैक्सीन आते ही हम जनता को वो वैक्सीन लगा सकें, टीकाकरण का काम कर सकें। उसके साथ ही एक निवेदन जो प्रधानमंत्री जी ने भी किया, मैं अपनी जनता से करना चाहता हूं कि अभी तो वैक्सीन आई नहीं है, तैयारियां चल रही, जल्दी आएगी, ये विश्वास है। लेकिन वैक्सीन भी आ जाए तो हमको ढिलाई बिल्कुल नहीं रखनी, क्योंकि कोरोना से बचने का सशक्त अगर कोई माध्यम है तो वो मास्क लगाना है। इसलिए मास्क लगाए रखें, दूरी बनाने का प्रयास करें और सभी समाजसेवियों से, स्वयंसेवी संगठनों से मैं अपील करता हूं कि स्वयं भी मास्क लगाएं और अगर किसी ने मास्क नहीं लगाया हो तो उसको समझाइश भी दें। मैं भी समझाइश देने का प्रयास करता हूं। सर, लॉकडाउन लगाने का? धन्यवाद। कोई लॉकडाउन नहीं होगा।